हेलो फ्रेंड्स, एसएससी कांस्टेबल जीटी 2021 के एग्ज़ाम होने हैं, उसी के लिए हम प्रीवियस क्वेश्चंस को देते करते हैं जो कि 2018 वाले एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और जीके के ही क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे। आज जो है 12 फरवरी 2019 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में, उसी को बनाएंगे और जानेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या था और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको ये अभी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ जनरल अवेयरनेस जीके के, खालिस्तान मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो मनुष्यों में जो है ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका जो है ऑप्शन दिया हुआ आपका लसीका, हीमोग्लोबिन, बलगम और मेलेनिन। तो इसका जो राइट उत्तर है वह है हीमोग्लोबिन। तो इसी के द्वारा यह मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन होता है। अगर हम बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, तो ये जो है लसीका वह एक अंतःस्रावी द्रव है, वह एक अंतःस्रावी द्रव है और यह लसिकाओं के बीच में ही पाई जाती है। तो यह लसिकाओं के बीच में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए आपको। इसके अलावा में अगर हम बलगम की बात करते हैं, तो ये जो बलगम है वह फेफड़े के काफ़ी अंदर से निकलने वाला गाढ़ा पदार्थ होता है। तो फेफड़े से निकलने वाला एक गाढ़ा पदार्थ होता है और इसी को हम कफ भी कहते हैं। ये आप लोग सुने ही होंगे, जानते ही हैं। तो यह होता है बलगम। अगर हम बात करते हैं मेलेनिन की, जो ऑप्शन है मेलेनिन क्या है, तो मेलेनिन जो है वह पिगमेंट है, एक नेचुरल पिगमेंट है और यह भी मनुष्यों में जो है बालों का रंग, त्वचा और आँखों का जो रंग है उसके लिए यह उत्तरदायी होता है मेलेनिन। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ये जो ऑप्शन दिया है उसमें से जो राइट आंसर है वह है हीमोग्लोबिन। और ये जो मेलेनिन है यह तो मैंने बता दिया था कि पिगमेंट है जो कि बाल, त्वचा और आंखों के रंग के लिए यह उत्तरदायी होता है मानवों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, खाली स्थान ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, यानी कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है पारा, सीसा, स्टेनलेस स्टील और चांदी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है चांदी। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं चांदी का, तो यह विद्युत का भी अच्छा चालक होता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस की, तो ये जो पारा होता है इसका जो है इसका संकेत होता है HG और यह जो धातु है लेकिन यह द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। धातु है लेकिन यह द्रव अवस्था में भी पाया जाता है और इसका उपयोग हम लोग थर्मामीटर में करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं सीसा की। ये जो सीसा है उसको हम संकेत में PB लिखते हैं और इसी को हम लोग लेड भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, सीसा यानी कि लेड और इसी को हम लोग लिखते हैं PB। स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, तो यह जंगरोधी इस्पात होता है। यह क्या होता है? यह जंगरोधी इस्पात होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। इसमें आयरन, क्रोमियम और निकेल मिला करके इसको तैयार किया जाता है, स्टेनलेस स्टील को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में फसाई की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ये जो केरल राज्य की बात कर रहा है और फसाई की जो कटाई होती है उसमें से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है लोहड़ी, पोंगल, ओनम और बैसाखी। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ओनम। तो ये ओनम फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करते हैं, तो लोहड़ी जो है वह उत्तर भारत में इसको मनाया जाता है और यह मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के एक दिन के पूर्व में मनाया जाता है ये जो लोहड़ी है। इसके अलावा में पोंगल की बात करते हैं, तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह तमिलनाडु में मनाया जाता है और यह संक्रांति के नाम से वहाँ पे जाना जाता है, संक्रांति के नाम से। ये होता है पोंगल। बैसाखी की बात करते हैं, तो बैसाखी जो है वह पंजाब और हरियाणा में फेमस है और यह जो है रबी फसल की कटाई से संबंधित है। यह रबी फसल की कटाई से यह हमारा बैसाखी का त्यौहार संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ओनम, यह केरल में फसल कटाई पर जो उत्सव मनाते हैं यह होता है। चौथा जो क्वेश्चन है यह देखते हैं, तो जो चौथा क्वेश्चन क्या है, पहले स्तनपाई क्लोन का नाम क्या है? यह पहले स्तनपाई क्लोन, क्लोनिंग करके एक भेड़ का निर्माण किया गया था हमारे जीव वैज्ञानिकों के द्वारा, तो इसका नाम क्या है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है, शान, पोली, डोली और भेड़। तो यह है,
तो इसका जो सही उत्तर हुआ है डोली। डोली नामक जो भेड़ था वह पहला स्तनपाई क्लोन था। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह जो है डोली, यह 6 साल तक जीवित रही थी, यह 6 साल तक जीवित रही थी, जिसको जेनेटिक जीन्स की मदद से तैयार किया गया था या बनाया गया था। पांचवा क्वेश्चन है, ड्यूस शब्द किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? ये जो ड्यूस शब्द है वह किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन दिया लॉन टेनिस, क्रिकेट, बेसबॉल और हॉकी। 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो सही उत्तर है वह है लॉन टेनिस। ड्यूस शब्द लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। जब दोनों खिलाड़ियों के बीच में 40-40 पॉइंट्स हो जाते हैं तब हम लोग उसको कहते हैं ड्यूस। तो ये आपको याद रखना है। बाद बाकी क्रिकेट, बेसबॉल और हॉकी ये तीनों नहीं होंगे, लेकिन टेनिस जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। यह है क्वेश्चन। ऑप्शन दिया हुआ लूनी, काली, गंगा और तिस्ता नदी। तो इसका जो सही उत्तर हुआ है लूनी नदी, जो कि रेगिस्तान में बहती है और यह बहती हुई कच्छ के रण में गुम हो जाती है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नदी है राजस्थान के लिए। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो यह जो है काली नदी यह यूपी में बहती है, गंगा नदी जो कि गंगोत्री हिमानी से निकलने के बाद में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ये आपको तो याद होगा ही। साथ साथ तीस्ता जो नदी है वह सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है लूनी नदी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के यहाँ पे बात करें तो उत्तरी भारत के मैदानों की दलदली पट्टी को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। यह है ऑप्शन दिया हुआ दोआब, तराई, भांगड़ा और खादर। यह है तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा तराई। ये जो है तराई क्षेत्र होते हैं जो कि मैदानों की दलदली पट्टी को ही कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं दोआब की, यहाँ पर अदर ऑप्शंस में दोआब की, तो दोआब जो होती है वह दो नदियों के बीच का भाग होता है। दो नदियों के बीच का भाग को हम लोग दोआब कहते हैं। जैसे कि ये कोई नदी है और इस प्रकार से यहाँ भी कोई एक नदी बहती हुई आगे में मिल जाती है, तो ये जो एरिया हो जाता है इसी को हम लोग कहते हैं दोआब। तराई क्षेत्र के बारे में मैंने बता दिया, तो ये जो तराई होता है वह क्या होता है कि मिट्टी बालू का एक जो परत होता है वह हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण के क्षेत्रों में फैल जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं तराई। मिट्टी और गाद साथ ही साथ में बालू भी मात्रा इसमें पाई जाती है और यह हिमालय के निचले यानी कि हिमालय के दक्षिणी भागों में यह तराई क्षेत्र पाए जाते हैं। भांगड़ा, भांगड़ा जो है एक नृत्य है, यह आपको याद रखना है। और ये जो खादर है चौथा ऑप्शन वह क्या है, तो नदियों के द्वारा जो लाई गई निक्षेप जलोढ़ मिट्टी से बनती है यह खादर। तो निक्षेप होता है किसका, जलोढ़ मिट्टी का, तो इसी से यह हमारा खादर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, PMGY का पूर्णरूप क्या है? PMGU का GY का पूर्णरूप क्या है? तो यह है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। यह आपको याद रखना, यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? यह है क्वेश्चन। ऑप्शन दिया हुआ है आइसलैंड, स्वीडन, भारत और नॉर्वे। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश भारत, तो यह भारत है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? यह शास्त्रीय नृत्य जो होती है उसका एक शैली नहीं है, एक प्रकार नहीं है, कथक, कथकली, कालबेलिया और ओडिसी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो उत्तर है वह है कालबेलिया, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य का एक शैली नहीं है। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये जो कथक है वह उत्तर भारत में यह शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है। कथकली जो है यह हमारा केरल का है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य। साथ ही साथ ओडिसी जो है यह ओडिशा राज्य की एक फेमस शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन ये जो कालबेलिया है वह राजस्थान के आदिवासी लोगों के बीच में फेमस नृत्य है यह, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कालबेलिया, जो कि राजस्थान में फेमस है जनजातियों के बीच में, आदिवासियों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा? यह क्वेश्चन है।
महावीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र और सेना मेडल, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वह है परमवीर चक्र, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये जो परमवीर चक्र है यह दिया जाता है युद्ध के दौरान वीरता की विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए। अगर हम बात करते हैं महावीर चक्र के लिए तो युद्ध में जो है असाधारण वीरता अगर कोई दिखाता है तो उसके लिए यह पदक दिया जाता है महावीर चक्र। और शौर्य चक्र की बात करते हैं तो शौर्य चक्र जो है भारत के शांति के समय वीरता दिखाने के लिए यह दिया जाता है शौर्य चक्र। और अगर सेना मेडल की बात करते हैं तो सैनिकों को यह मेडल भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ कंचनजंगा, नामचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के बारे में कह रहा है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है कंचनजंगा। यह है भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह कह रहा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ये जो कंचनजंगा कहाँ है, तो कंचनजंगा है हमारे सिक्किम राज्य में, यह सिक्किम राज्य में पड़ता है कंचनजंगा। नामचा पर्वत जो है वह तिब्बत में पड़ता है जो कि चीन के अधिकार वाला है, और यह अरुणाचल प्रदेश के पास में स्थित है। यह हमारा नामचा पर्वत, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट, तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना ही है। इसके अलावा नंदा देवी की बात करते हैं तो यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारतीय कवि, गीतकार, फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है, तो यह कवि भी है, गीतकार भी, फिल्म निर्देशक भी, और जिनका नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, इन्हीं का उपनाम क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया है गुलजार, तालिब, दाग और आरजू, तो इनका जो है उपनाम हुआ है गुलजार, ये एक फेमस है, आप लोग इनका नाम सुने ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोगों की खाली स्थान वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया कम आबादी, अधिक आय और कम आय, तो यहाँ पे जो है प्रतिनिधि नेता मंत्री जो बनते हैं, विधायक बनते हैं, उसमें से किस प्रकार से बनते हैं, तो राज्यों से संबंधित है। तो जिस राज्य में सबसे अधिक आबादी होगी, मतलब अधिक आबादी होगी, तो उनको यानी उन राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, तो इसका जो उत्तर होगा वह है हमारा बी, अधिक आबादी वाले राज्यों में अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, जितनी आबादी होगी उसी के हिसाब से यहाँ पर वोटिंग किया जाता है, लोकसभा सीट या राज्यसभा सीट, साथ ही साथ विधानसभा सीटें भी दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का, हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं, यह है क्वेश्चन। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान भी पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हरे घास के मैदान, मारू, भाबर और बग्याल, यह है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बग्याल। तो हिमालय की जो ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान पाए, तो उसको कहा जाता है बग्याल, आपको यह याद रखना है। दोस्तों अगर हम उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, तो क्या है, तो यह हिमालय में जो हिम शिखर की तलहटी में जो पाए जाते हैं, जहाँ से हरे मखमली घास पाए जाते हैं, वही उन्हीं को कहते हैं बग्याल। और यह कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय के हिम शिखरों की तलहटी में पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर भाबर की बात करते हैं, तो भाबर जो है वह जलोढ़ प्रदेश होते हैं जो कि गंगा क्षेत्र में ही पाए जाते हैं ये भाबर। तो इसका जो राइट आंसर है 15 नंबर का हुआ है बग्याल। इसके अलावा मैं आगे हम लोग देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए, वो भी स्वतंत्रता के बाद, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चरण सिंह, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए, ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं मोरारजी देसाई की, तो यह 4th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। जगजीवन राम जो थे उनको हम लोग बाबूजी के उपनाम से भी जानते हैं, बाबूजी के उपनाम से, और ये
प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री, ये भी आपको याद रखना है। और चरण सिंह जो हैं वह 5वें नंबर के प्रधानमंत्री भारत के रह चुके हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, पहले उप प्रधानमंत्री हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यापार अवरोध नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है हुआ है निर्यात सुरक्षा, यह व्यापार के लिए अवरोध नहीं है, बाद बाकी सब ये सब सारे अवरोध हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति खालिस्तान द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है, यह मतलब भारतीय जनसंघ की स्थापना कौन की गई है इसी प्रकार से, और उसी के थ्रू से ये भारतीय जनता पार्टी का भी उत्पत्ति हुई है। तो यह जो है उसका सही उत्तर है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी, ये भी ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं और इन्हीं के द्वारा फिर आगे चल करके यह भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार ये प्रधानमंत्री भारत के रह चुके हैं। लालकृष्ण आडवाणी की बात करते हैं तो ये जो हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और मुरली मनोहर जोशी जो हैं वह बीजेपी के नेता हैं जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर हुआ है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो ये जो है 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, यानी 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन दिया कर्जन, कार्नवालिस, क्लाइव और क्लिंट, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हुआ है कार्नवालिस, इन्हीं के द्वारा जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों अगर अदर ऑप्शन की बात करते तो ये जो कर्जन है वह बंगाल विभाजन से यह संबंधित है, जो कि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था इन्हीं के शासनकाल में या इन्हीं के द्वारा, ये आपको याद रखना है। और क्लाइव जो है वह क्या है, तो यह भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापक हैं, यह ब्रिटिश राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव रहे, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो है जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? यह हरित क्रांति से यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। गांव की सड़कों के सुधार को, बीजों की अधिक उपज देने किस्मों को, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, और खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को। तो इसमें जो है यह हरित क्रांति हुआ हमारा खेती बाड़ी से यानी कि फसलों के उत्पादन संबंधित है, लेकिन यहाँ पे गांव की सड़क सुधार कर रहा जो कि खेती बाड़ी या तो फिर फसलों से संबंधित नहीं है, तो इसी कारण से यही है हमारा राइट आंसर, बाद बाकी ये तीनों हैं सही आंसर। तो ऑप्शन के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, साइखोम मीराबाई चानू को 2018 में खालिस्तान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो मीराबाई चानू को जो कि 2018 में है इनको दिया गया है पद्मश्री, तो यह किस खेल से संबंधित है या किस क्षेत्र में इनको मिला है पद्मश्री? ऑप्शन है एथलेटिक्स, क्रिकेट, कुश्ती और भारोत्तोलन। तो ये जो फेमस है साइखोम मीराबाई चानू वह भारोत्तोलन के लिए फेमस है, यानी कि वेट लिफ्टिंग के लिए फेमस है, और इन्हीं के लिए ही इन्हें 2018 में पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति खालिस्तान में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, कौन से राज्य में हुई है? ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और राजस्थान। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर हुआ है गुजरात, गुजरात का यह फेमस है गरबा लोक नृत्य। अगर बात करते हैं गुजरात में तो यहाँ पर डांडिया भी फेमस लोक नृत्य है, यह डांडिया भी यहाँ पर फेमस है। इसके अलावा में अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में लावणी, महाराष्ट्र में लावणी फेमस है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में छऊ, कर्मा, ये भी फेमस है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में घूमर और कालबेलिया, ये जो दोनों हैं वह राजस्थान में फेमस है। तो ऑप्शन जो है गरबा एक लोक नृत्य इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो यह हुई है गुजरात में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? एक पाकिस्तानी नागरिक है और उसको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जिसको कहते हैं वह मिल चुका है। ऑप्शन है इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यह इसका सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है और यह पाकिस्तान के नागरिक हैं। इसी खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी या तो फिर फ्रंटियर गांधी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो इमरान खान जो है वह अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, नवाज शरीफ जो है पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं पूर्व में, और बेनजीर भुट्टो जो हैं वह किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, किसी भी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बेनजीर, सॉरी खान अब्दुल गफ्फार खान, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वह क्या है, तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यह है क्वेश्चन। यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स करना, नाभिक, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी निकाय, ये चार ऑप्शन दिए हैं। उसमें से जो पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का वह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो कि बायोलॉजी से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए थे एग्जामों में, SSC GD में, और इसी प्रकार के लगभग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग इसी प्रकार क्वेश्चन को बनाएंगे जिसमें से साइंस के क्वेश्चन भी ईजी थे, तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए ताकि एग्जामों में आपको और ज़्यादा हेल्प मिले।